चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। ये कंपटीशन लेवल का एक वीडियो होगा और इसको चाहे तो 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 सभी देख सकते हैं, सबके बुक में है ये। तो आइए बात करते हैं यूएन की। आखिर यूएन है क्या? इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब सबसे पहले पूछता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसके मेंबर थे, इक्यावन मेंबर थे। जब इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की, तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात इस यूनाइटेड नेशन की एक स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन स्थापना का सीधा उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, सतत विकास की बात करना, लोगों के बीच समानताओं को दूर करना, ये सभी चीज मकसद किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे मकसद हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए, जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उसका लक्ष्य था कि क्या करेंगे, पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे, विश्व युद्ध जैसी स्थिति आने नहीं देंगे और पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और पूरे के पूरे विश्व स्तर पे क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन का परचम लगाएंगे। कोई भी देश क्या करेगा, किसी की कॉलोनी नहीं रहेगा, सभी कॉलोनी एरिया को आजाद कर दिया जाएगा। ये सभी चीज मकसद किसका था? यूनाइटेड नेशन का। देखिए वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193। वर्तमान में इसके सदस्य हैं कितने? 193 इसके मेंबर हैं। लास्ट 193 जो मेंबर बना है 2011 में कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं? 193। 2011 में इसका आखिरी मेंबर बना है दक्षिणी सूडान। और इसके अध्यक्ष कौन है? जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इसके अध्यक्ष जो है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्ष इनके 5 साल के लिए चुने जाते हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। देखिए, अब बात करते हैं एंटोनियो गुटेरेस की। यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र उसके दो ये अध्यक्ष हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब देखिए, बात हम करते हैं कि इनके इसके पार्ट कई सारे हैं। एक की बात करते हैं जिसे विश्व की संसद कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। उसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसे क्या कहते हैं? विश्व की संसद कहते हैं। इसके अध्यक्ष जो है वोल्कान जी हैं, तुर्की के हैं। वोल्कान जी वो तुर्की के हैं। 1 साल का उनका कार्यकाल होता है। उनको बढ़ाया भी जा सकता है। 1 साल के हैं तो वापस ही उनको चुन के उनको बढ़ाया जा सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा कहा जाता है कि वर्तमान में 200 से अधिक देश हैं। पूरे के पूरे विश्व में 200 से अधिक कंट्रियां हैं, 200 से अधिक देश हैं। लेकिन देखिए, वास्तविक रूप में माना जाए तो 193 कंट्रीज हैं। कैसे? क्योंकि जो भी यूनाइटेड नेशन की सदस्यता प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही वास्तविक रूप में देश के रूप में मान्यता मिलती है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसको विश्व की संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की संसद कहते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की संसद कहते हैं। देखिए एक बार फिर से अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। आरंभ गुरु में हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे और आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसको क्या कहते हैं? विश्व की संसद कहते हैं, विश्व की संसद कहते हैं। और इसका जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। अब देखिए एक होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये जो आप जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को देख रहे हैं, इसके जो निर्णय होते हैं ना विश्व देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। जो इसके मेंबर हैं उनके लिए इनके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। इसके पास विश्व की सेना है दोस्तों, ये चाहे तो किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकती है और उसको देश को अपने कब्जे में कर सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो निर्णय होते हैं ना वो बाध्यकारी होते हैं। इसका उल्लंघन करने पे ये हमला भी कर सकता है आपके देश के ऊपर, आपके देश के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सभा के 15 परमानेंट मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 15 परमानेंट मेंबर हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 देश हैं, ठीक, 15 देश हैं और 15 देशों में भारत 8वीं बार इसका अस्थाई सदस्य बना है। इसमें कुल मिला के सबको 15 जो देश होते हैं उनको वोटिंग राइट्स प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? मत करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें जो होते हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन है? देखिए रूस है, दूसरा है चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, और यूएसए है, पांचवा है यूएसए। और 10 जो देश होते हैं उन जो 10 देशों का जो कार्यकाल होता है 2 साल के लिए होता है। और हर एक साल में 5 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, मतलब 5 नए देश चुने जाते हैं। और जो हम लोग 8वीं बार मेंबर बने हैं तो 2 साल के लिए बने हैं, 2021 और 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक हम लोग यूनाइटेड नेशन के अस्थाई मेंबर रहेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के हम लोग क्या रहेंगे? अस्थाई सदस्य रहेंगे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। भारत 10वीं बार इसका सदस्य बना है, 8वीं बार सदस्य बना है। इसके 5 परमानेंट मेंबर कौन है? यूएसए है, रूस है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। छोटे छोटे या बड़े बड़े एग्जामों में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कथन और कारक के रूप में कि कौन इसके परमानेंट मेंबर है, कौन इसके परमानेंट मेंबर नहीं है। हर साल 5 नए देशों का चुनाव किया जाता है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके पास ये जो 5 देश है ना, ये जो 5 देश है इनके पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर क्या है आपको समझाते हैं, आइए समझाते हैं। वीटो पावर मान लीजिए 14 देश, ठीक, 14 देश एक तरफ और एक देश एक तरफ, यानी कि पूरी की पूरी कायनात एक तरफ, एक मेंबर इनमें से मना कर दे, कोई बिल आया है सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई बिल आया है जो विश्व स्तर का मुद्दा हो, वो बिल आया है, 14 देशों ने हाँ कर दी, यानी कि पूरी कायनात ने, पूरे के पूरे विश्व ने हाँ कर दी, लेकिन इस गरीब ने मना कर दिया। हालांकि ये गरीब नहीं है, बहुत अमीर है, इस गरीब ने मना कर दिया, तो क्या होगा? वो बिल जाएगा, तय धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? वीटो पावर। इनका मतलब था कि विश्व स्तर पे हम शांति स्थापित करेंगे। इनका क्या मतलब था कि हम विश्व स्तर पे शांति को स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अफ्रीका महाद्वीप है, वहां गरीब भी सदस्य नहीं,
दक्षिणी आपने देखे ऑस्ट्रेलिया है वहां का एक भी सदस्य नहीं, साउथ अमेरिका है वहां का एक भी सदस्य नहीं। तुम काहे की बात करते हो कि तुम क्या हो, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये पांच परमानेंट मेंबर हमें तो समझ से परे है कि आखिर इनको वीटो पावर क्यों दिया गया। वीटो पावर का सीधा सीधा मतलब समझिए कि अगर 14 लोगों ने हाँ कर दिया, कोई बिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास आया, 14 लोगों ने हाँ कर दिया, 14 लोगों ने हाँ कर दिया और एक लोगों ने मना कर दिया, तो वो बिल जाएगा दया धरा रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके पास क्या है, वीटो पावर है, और वीटो पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है, केवल परमानेंट मेंबर यानी कि स्थायी मेंबर ही वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन जो पांच देशों को वीटो पावर मिली है, अब एक कहानी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इंडिया चीनी क्रांति हुई थी, तो हम लोग को क्या नाम लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद माउंट सेंगियो सुन चीन के भारत आए थे, तो अमेरिका जो था वो चाहता था कि भारत इसका मेंबर बने, लोकतांत्रिक देशों की संख्या इसमें बढ़े, लेकिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हम चीन वहां रहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज उस चीन के रहने से हमें बहुत बड़ी आपत्ति है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए पाकिस्तान का मुद्दा रहता है कोई सामने, बीच में रखा जाता है यूएन में, तो कौन आ जाता है, चाइना सामने आ जाता है, इजराइल का मुद्दा होता है तो यूएसए सामने आ जाता है, तो ये जो पांच देश है ये अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वाकई में विश्व स्तर पर शांति स्थापित करनी है तो सबसे पहले इस बकवास वीटो पावर को समाप्त किया जाना चाहिए। ये वीटो पावर ही नहीं है, ये क्या है, शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया है। ये जो पांच देश है, यूरोप के तीन देशों को उठा के इन्होंने क्या नाम है, परमानेंट मेंबर बना दिया। अफ्रीका में देश नहीं है, दक्षिण अमेरिका में देश नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं दिखा। तो आप याद रखिएगा कि वीटो पावर केवल परमानेंट मेंबर को ही प्राप्त है। ये क्या नाम है, जो क्या नाम है, ब्रिटेन सबसे ज्यादा शोषण किया है हम लोगों का, कहा हम लोगों का क्या, पूरे विश्व का शोषण किया है। ये अमेरिका अभी सबसे ज्यादा शोषण करने वाला देश है, चीन क्या लोकतंत्र को दबाने वाला देश है, और जो बात करें रूस और फ्रांस की, ये भी किसी के दूध के धुले में नहीं, इनसे बड़ा महापापी आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर यूएन को अच्छे तरीके से काम करना है तो सबसे पहले इस बकवास वीटो पावर को समाप्त करना चाहिए, और भले क्या नाम है, तुम उसके परमानेंट मेंबर रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वीटो पावर को समाप्त करना चाहिए, तभी विश्व स्तर पर शांति स्थापित होगी और तभी यूएन अच्छे से काम कर पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाए। धन्यवाद।